शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय पांच शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय पांच और पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया। विहान को अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा कर दिया। फिर बिहान को जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन परमेश्वर के संदूक के सामने औंधे भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी है। निदान दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की देवड़ी पर पाव नहीं धरते। तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नाश करने लगा और उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों के गिल्टियां निकाली। यह हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा, इस्राएल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इस्राएल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। तो उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा। जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा त्यों ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे कि इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इस्राएल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने न पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था और जो मनुष्य न मरे वे गिल्टियों के मारे पड़े रहे और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची।